गुड मॉर्निंग बच्चों, अपन बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और पिछली क्लास में न्यूक्लिक एसिड हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैं आपको डीएनए की स्ट्रक्चर समझाऊंगा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जो डीएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में ही तीन कॉम्पोनेंट या तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, शुगर, 5-carbon sugar, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो पहले अपन डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। डीएनए, बच्चों आप भी साथ में स्केच ड्रॉ कर लो।
हाँ, 11th क्लास डीएनए के स्ट्रक्चर को देखिए। इधर डीएनए में मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि 3 कंपोनेंट से मिलके डीएनए या आरएनए बनता है। डीएनए के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ये 5 कार्बन की शुगर होती है। सेकंड नाइट्रोजिनस बेसिस, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन बेसिस भी। प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन, प्यूरीन 2 है, एडिनिन एंड ग्वानिन, और पाइरिमिडीन भी 2 है, थायमिन एंड साइटोसिन, थायमिन एंड साइटोसिन। प्यूरीन 2 है, एडिनिन ग्वानिन एंड पाइरिमिडीन 2 है, थायमिन एंड साइटोसिन। जनरली डीएनए जब बनता है तो प्यूरीन पाइरिमिडीन के साथ में बॉन्ड बनाता है, तो एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ में और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। अंडरस्टूड? थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड कंपोनेंट क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। बच्चों डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए की कई सारी स्ट्रक्चर्स होती है जो आप हायर क्लास में और पढ़ेंगे, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। ओके, हम यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर जो मॉडल है डीएनए का, जो मैक्सिमम पाया जाता है, बी डीएनए, उसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो, उसका मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल को 1953 में दिया था। ओके, तो ये बच्चों डीएनए की स्ट्रक्चर है। ये राइट हैंडेड डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है कि इसमें 2 धागे हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं, और राइट हैंडेड यानी कि ये थोड़ा राइट की तरफ शिफ्टेड है। तो ये क्या स्ट्रक्चर है जो वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी अपने मॉडल में? राइट हैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है ये, ठीक है? इस डीएनए के स्ट्रक्चर में बच्चों ये जो बैकबोन है, ये जो स्ट्रैंड है, ये तो बनता है सुगर एंड फॉस्फेट से। किससे बनता है? सुगर से एंड फॉस्फेट से बनता है। ओके, तो यहां देखिए सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर, ठीक है ना? तो ये है, तो और अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर पाए जाते हैं नाइट्रोजन बेसेस। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तो ये बनता कैसे कि जो सुगर होती है, सुगर के पहले कार्बन से, सुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है, अटैच होता है। क्लियर होगी बात आपके? जैसे कि मान लो यहां पर एक सुगर है ये, और इससे एडिनिन जुड़ा हुआ है, और इस सुगर के पांचवे कार्बन से और थर्ड कार्बन से एक एक फॉस्फेट जुड़ जाता है। मतलब इस तरफ तो फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा रहता है, इधर थर्ड कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा रहता है। तो बैकबोन जो है वो बनती है सुगर एंड फॉस्फेट से, अंदर की ओर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं।
ठीक इसी तरीके से इस स्ट्रैंड पर भी सुगर फॉस्फेट पाई जाती है। तो यहाँ भी सुगर के पहले कार्बन से तो नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाता है, ठीक है, और थर्ड और फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। ओके, अब देखिए आप यहाँ जो अंदर की ओर नाइट्रोजन बेस है दोनों तरफ के, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ध्यान से सुनना, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये एक वीक बॉन्ड है। ओके, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यानी कि एक स्ट्रैंड पर अगर आपको नाइट्रोजन बेस पता हो तो सामने वाले का आप खुद बता सकते हो, ठीक है ना, अगर एडिनिन होगा तो सामने थाइमिन होगा, अगर इधर गुआनिन है तो सामने साइटोसिन होगा, अगर इधर साइटोसिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पर गुआनिन होगा। तो ये आप सीक्वेंस पता खुद लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। ओके चलिए, तो ये है। अब इसका बेनिफिट क्या है बच्चों, कि दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं, तो वो दोनों धागों को बांधे रहते हैं, दोनों धागों को क्या रहते हैं, बांधे रहते हैं, और डीएनए जो होता है वो ऐसे कॉइल्ड होता है, मतलब आपस में उनके स्ट्रैंड जो है इस तरीके से कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ये है। अब देखिए बच्चों, डीएनए का जो एक स्ट्रैंड का एक एंड है ये 3' यहां लिखा जाता है, और इसके दूसरे एंड पर 5' लिखा है, लिख रहे हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर इसके एक एंड के 5' लिख रहे हैं और दूसरे एंड पर 3' लिख रहे हैं। इसका रीजन ये है कि बच्चों जब यहाँ पर जैसे यहाँ 5' का मतलब क्या है कि इधर जो सुगर होगी उसका 5' वाला कार्बन फ्री है, समझ में आ गई बात, और थर्ड कार्बन उसका बिजी है, और यहाँ पर सुगर उल्टी है तो यहाँ पर थर्ड कार्बन, मतलब मैं बना के बता देता हूँ, इधर तो सुगर सपोज करो यू है, बातें बिल्कुल नहीं, बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए आप कि यहाँ जो ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पर सुगर उल्टी होगी इस तरीके से, तो उल्टी होगी तो हाँ, अगर यहाँ सुगर उल्टी है तो अपन इसको अंदर से काउंट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पर ये CH2OH रख देंगे, तो 1 2 3 4 और 5 ये सुगर मान लो यहां होगी तो थर्ड कार्बन इनका फ्री होगा, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, 3' कहेंगे, या थर्ड कार्बन बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना, और फिफ्थ कार्बन बिजी रहेगा क्योंकि वो नेक्स्ट फॉस्फेट से जुड़ जाएगा, और यहां जो सुगर है वो सीधी है, तो ये सुगर की स्ट्रक्चर कुछ ही होगी, ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सुगर मान लो यू होगी, तो अंदर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन जो है एंड की ओर होगा, कुछ क्लियर हुई बात ये, ठीक है ना, तो ये 3' और 5' का मीन ये है। हालांकि बच्चों जेनेटिक्स में अपन इसकी स्ट्रक्चर को और पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से इतना काफी है आपके इस क्लास को देखते हुए, ठीक है, तो डीएनए की स्ट्रक्चर समझ में आई सभी को, ठीक है ना, राइट हैंडेड डीएनए मॉडल स्ट्रक्चर है ये बी डीएनए की, ठीक है ना, और ये वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी, और एक मैं न्यूक्लियोटाइड का जो प्रीवियस क्लास में बना रहा था वो भी मैं बना के बता देता हूँ, एक बार ऑनलाइन में जो भी बैठे
एक बार हैंड रेज कर दें आप कि आपको समझ में आ गया ये डीएनए की स्ट्रक्चर। हाँ एक चीज और बच्चों मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिए, ये जो एक कॉइल है, ये जो एक कॉइल है ना, इसके अंदर बी डीएनए, जो बी डीएनए होता है इसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर कहते हैं एडिनिन एंड थाइमिन या गुआनिन एंड साइटोसिन, ये दो नाइट्रोजन बेस का जो बॉन्ड बनता है, तो इससे हम दो बेस हो गए, तो इसे कहते हैं दो बेस बेस पेयर, दो नाइट्रोजन बेस है, इसे हम कहते हैं बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर कहते हैं। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो बी डीएनए की एक कॉइल के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं, क्या होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। और ये जो एक कॉइल है इसकी जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर होती है, ओके। और जो डायमीटर है, मतलब दोनों धागों के बीच का जो डायमीटर है, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है या फिर 2 नैनोमीटर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, 2 नैनोमीटर कहते हैं। एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, एक नैनोमीटर के अंदर 10 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये आप देख लीजिए ना, 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक और चीज इधर देखिए बच्चों, दो बेस पेयर मान लो ये और ये, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो देख लो आप कितनी होगी, 10 से डिवाइड कर दे, 3.4 एंगस्ट्रॉम कह दो इसको, ठीक है ना भाई। एक कॉइल के अंदर 10 बेस पेयर है, इस कॉइल की लेंथ कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉम है, तो दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3.4, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है डीएनए की स्ट्रक्चर में, ठीक है। वैसे जेनेटिक्स में और पढ़ेंगे आप, इसको बार बार पढ़ेंगे, तो एक बार इतना काफी है। आयुष समझ में आ गया बेटा, चलिए अब जल्दी से मैं आपको न्यूक्लियोटाइड वो कैसे बनता है वो बता देता हूं, फिर अपन आरएनए के कंपोनेंट पढ़ के फिर अपन पॉलीसेक्राइड स्टार्ट करते हैं। डीएनए एंड ये हो गया, ठीक है बेटा। अपन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड जो कैसे बनता है वो बता देता हूं मैं। जैसे ये डीऑक्सी राइबोस सुगर है, ठीक है, और एक यहां बना लेते हैं, हाँ। पहले तो बच्चों देखिए कि ये एक डीऑक्सी राइबोस सुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पहले जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है कि जो डीऑक्सी राइबोस सुगर है इसके फर्स्ट कार्बन से एक नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, एडिनिन गुआनिन साइटोसिन या थाइमिन, कोई भी एक जुड़ता है, समझ में आ गई बात। तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर जो इसका फिफ्थ या थर्ड कार्बन है, फिफ्थ कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये है, यहां से भी एक और एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट और जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लो इससे एक फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, समझ में आ गई बात। और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो डीएनए बनता है, क्लियर होगी बात। तो जो स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड के अंदर कैसे होगा कि जैसे ये थर्ड कार्बन है, ठीक है, तो थर्ड कार्बन हो गया ये, ठीक है, और यहां पर इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये फॉस्फेट है, तो एक सुगर के तो थर्ड कार्बन से जुड़ गया और दूसरे सुगर के फिफ्थ कार्बन से, तो ये क्या बना लेता है, फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड, क्या बना लेता है, डाईएस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या, एक लंबी चेन सी बन जाती है, एक स्ट्रैंड बन जाता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है ना।
ठीक है बच्चों, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है ओके, ऑनलाइन में जो भी बैठे हैं उनको भी समझ में आया? हाँ जी बेटा, एक बार हैंडरेज कर दो कि सर हाँ न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनती है, वो आपको समझ में आ गया है? ओके चलिए, नेक्स्ट लेते हैं आरएनए, आर एन ए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो है राइबोज सुगर, राइबोज सुगर। ठीक है, ये 5 कार्बन की होती है। सेकंड लेते हैं नाइट्रोजीनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस, नाइट्रोजीनस बेसिस। ठीक है बेटा, इसमें फर्स्ट है प्यूरीन, प्यूरीन, प्यूरीन में एडिनिन, एडिनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं पाइरिमिडिन, हाँ सॉरी बच्चों यहां मेरी गलती हो गई, आरएनए के अंदर थायमिन नहीं पाया जाता, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, यूरेसिल एंड साइटोसिन। हाँ अब बच्चों ध्यान से देखिए, हाँ बच्चों मैं आपको बता दूं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी उनके जो जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो डीएनए के अंदर स्टोर रहती है नाइट्रोजीनस बेसिस के फॉर्म में। ओके ध्यान से सुनना, और जो डीएनए के दो स्ट्रैंड हमने देखे अभी डीएनए के स्ट्रक्चर में, उसमें जो 3' से 5' वाला स्ट्रैंड है उसके अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, या उसे हम कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। कौन सा? डीएनए का 3' से 5' वाला जो धागा है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इसके अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन पाई जाती है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। ओके, इट कंसिस्ट एक्चुअल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो दूसरा जो धागा होता है जो कि 5' से 3' वाला होता है डीएनए के अंदर, वो प्रोटेक्टिव होता है, वो कवर अप करता है किसको? एंटी सेंस स्ट्रैंड को कवर अप करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है उसके नाइट्रोजिनस बेस को। ठीक है, उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो वैसे ही होते हैं जस्ट उसके अपोजिट जैसे कि एंटी सेंस स्ट्रैंड में होता है। मान लो 3' से 5' वाले में अगर सीक्वेंस ये है ए सी जी ये है, तो जस्ट उसके अपोजिट वाले में टी होगा, जी होगा, सी होगा, इस तरीके से। तो 5' से 3' वाले स्ट्रैंड को हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि वो सेंस करके करता है उसको। ओके, तो डीएनए के अंदर एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो एक एक धागे पर होती है जो कि 3' से 5' पोलरिटी शो करता है, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और डीएनए बच्चों डबल स्ट्रैंडेड होने के कारण से मोर स्टेबल है, डीएनए में जल्दी से म्यूटेशन नहीं होते, जल्दी से चेंजेस नहीं आते, आते हैं लेकिन स्लोली आते हैं। ठीक है, और डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रहती है और ये डबल स्ट्रैंडेड होने के कारण से ज्यादा स्टेबल है, सेफ। ओके, अब बात करते हैं, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसको अपन कंपेयर करेंगे आरएनए से। आरएनए जो है ये भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक वायरसेस में, कुछ एक वायरस है ना उसी के अंदर, जैसे कि कोरोना वायरस,
जैसे कि एड्स का वायरस, तो इन्हीं के अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन आरएनए पाया जाता है, लेकिन आरएनए सिर्फ प्रोटीन बनाने की जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करता है। क्लियर होगी बात? तो होता क्या है बच्चों, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से डीएनए बनता रहता है, डीएनए की कॉपी बनती रहती है, तो इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है। ये क्या कैसे बनता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि वहां कोर्स में आपके अभी नहीं है, ठीक है ना। डीएनए से आरएनए बनता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है, हमारी सेल में भी ऐसा होता है। फिर यह आरएनए आ जाता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, और आरएनए बच्चों एक सिंगल स्ट्रैंडेड धागा है, तो इसके ऊपर नाइट्रोजन बेसिस पाए जाते हैं, ठीक है। तो आरएनए के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है ना, तो तीन तीन बेसिस को हम कहते हैं जेनेटिक कोड। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। और ये जेनेटिक कोड एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। क्लियर होगी बात? तो जैसे नाइट्रोजिनस बेस होंगे आरएनए के ऊपर, उसी अनुसार राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए निकल के आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड धागा है, जब प्रोटीन बननी होती है तो इनके ऊपर राइबोसोम की सब यूनिट्स मर्ज हो जाती है और एक कंप्लीट राइबोसोम बना लेती है। फिर ये राइबोसोम जैसे जैसे इंफॉर्मेशन होती है वैसे वैसे प्रोटीन बनाती है, उस टाइप की प्रोटीन बनाती है। ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से कन्वे होती है, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया बेटा? तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अब ये कैसे होता है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी अपने सिलेबस में नहीं है। अब आ जाते हैं आरएनए के ऊपर। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। पहला डिफरेंस क्या है? आरएनए के ऊपर, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है, ये भी 5 कार्बन की शुगर है, लेकिन इसके सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन होता है, जबकि डीएनए की डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। सेकेंड लेते हैं नाइट्रोजन बेस। सेकेंड डिफरेंस देखिए, इसमें भी दो टाइप के नाइट्रोजन बेस है, प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरीन दो है, एडिनिन एंड ग्वानिन। पाइरिमिडीन भी दो है, यूरैसिल एंड साइटोसिन। यानी कि यहां पर थाइमिन नहीं होता, यूरैसिल पाया जाता है। ये सेकेंड डिफरेंस है। और थर्ड जो कॉम्पोनेंट है इसका वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप सेम है, फॉस्फेट ग्रुप। थर्ड डिफरेंस मैं ये बताता हूं कि आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको इवोल्यूशन पार्ट भी पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो इवोल्यूशन के अंदर हम ओरिजिन कैसे हुई, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, तो उसमें ये आपको समझ में आएगा कि शायद अर्थ बनी होगी तब पहले आरएनए ओरिजिनेट हुआ। आरएनए क्या हुआ? ओरिजिनेट हुआ, लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड था, अनस्टेबल था, बहुत जल्दी म्यूटेशन आ जाते हैं आरएनए के अंदर, बहुत जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, कवर अप नहीं है ये, ठीक है ना। तो शायद ऐसा माना जाता है कि दो अलग अलग आरएनए जब आपस में कॉइल हो गए तो डीएनए बना। तब क्या बना? डीएनए बना। समझ में आ गई बात आपके? तो ये चीजें आप नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। बताइए बच्चों आरएनए समझ में आया नहीं आया? आ गया? चलिए हाँ जी बेटा, रफ कर दो ये। नेक्स्ट लेते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ये दो टाइप के हैं, होमो पॉलीसेकेराइड सेकेंड है हिट्रो पॉलीसेकेराइड।
होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हिट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हाँ बच्चों, पॉलीसेक्राइड्स क्या है ये देख लीजिए आप। पॉलीसेक्राइड्स आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। दीज आर द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ओके, मोनोमर यूनिट्स के ये पॉलीमर्स होते हैं। ओके बेटा, ये दो टाइप के हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हिट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो मतलब सेम, के ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें जो मोनोमर यूनिट है, सिंगल यूनिट है, वो एक ही जैसी है और उन्हीं के बार बार पॉलीमराइज होने पर क्या है कि वो एक लॉन्ग चेन बन जाती है, ठीक है ना। तो इन्हें हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड। जैसे कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। इसी तरीके से स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, मतलब सेम चलता है, ठीक है ना। सेलुलोज भी लॉन्ग चेन है ग्लूकोज की, ठीक है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल है? होमोपॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है। सेकंड हम लेते हैं हिट्रोपॉलीसेक्राइड। हिट्रो मतलब डिफरेंट, ऐसे पॉलीसेक्राइड जिसमें ग्लूकोज के साथ या फ्रक्टोज के साथ, ठीक है ना, कोई दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, यानी कि मान लो प्रोटीन होती है या कोई और कॉम्पोनेंट होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हिट्रोपॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड, काइटीन, ठीक है ना, हेमी सेलुलोज, ठीक है ना। तो ये किसके एग्जाम्पल है? हिट्रोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज के साथ में कोई दूसरी यूनिट्स भी पाई जाती है, ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर दो तीन टर्म और बता देता हूँ, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ठीक है ना, और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल, मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल, सिंगल यूनिट, जैसे कि ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है ना। डाइसेक्राइड मतलब ऐसे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो मोनोमर यूनिट्स होती है, दो, डाई मतलब दो, ठीक है ना, और पॉलीसेक्राइड मतलब लंबी चेन, खूब सारे जो है मोनोमर यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो पहले अपन लेंगे होमोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है बेटा। पहले हम क्या लेंगे? होमोपॉलीसेक्राइड। इसमें बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बच्चों, जो ग्लाइकोजन है ये होमोपॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का, ठीक है ना। जब ब्लड में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल रेज होता है तो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर सेल्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर, और स्टोर कर दिया जाता है। तो एनिमल सेल में ये रिजर्व फूड मटेरियल है ग्लाइकोजन। ओके बेटा, जब ग्लाइकोजन का हाइड्रोलिसिस होता है तो ये ग्लूकोज रिलीज करता है, ठीक है ना। ओके, ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड ऑफ द एनिमल सेल्स। ओके चलिए, जब मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना देता हूं, बच्चों यहाँ पर देखिए, ये स्ट्रक्चर है एक मोनोमर यूनिट यानी कि ग्लूकोज की, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? ग्लूकोज। ठीक है, ठीक है बेटा। बेटा फॉर्मूला आपने देखा, ये C6H12O6। तो इसमें आप काउंट कर लो, आप काउंट कर लो, आपको कार्बन 6 मिलेंगे, हाइड्रोजन 12 मिलेंगे, ऑक्सीजन 6 मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा आज की क्लास में इतना ही करेंगे।
पॉलीसेक्राइड के टॉपिक को कल की क्लास में अपन आगे बढ़ाएंगे और देन फिर प्रोटीन के बारे में भी स्टडी करेंगे. ओके हाँ जी.